हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इट लुकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन सीयूईटी मैथ्स 2024 की स्पेशल तैयारी में आप सभी का स्वागत है। और यहां पर हम कराएंगे पीवाईक्यूज, मतलब कि कुछ पिछले वर्षों में पूछे गए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और साथ ही साथ हम करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट यहां पर कवर करेंगे। तो कंसेप्ट और पीवाईक्यूज लेकर के हम चलेंगे, और मैं आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि आपको थंबनेल में यहां पर दिखाई दे रहा है। ओके, और चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं, वैसे मैं कोर मैथ्स डील करता हूं, मैं यहां पर बात कर रहा हूं कोर मैथमेटिक्स की। तो पैटर्न की सबसे पहले बात करूं तो पैटर्न में ये है कि भाई साहब आपको 50 क्वेश्चंस आने हैं, और 50 क्वेश्चन में आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, 40 करने अटेम्प्ट, ठीक है ना। तो आपको कोई 40 क्वेश्चन करने हैं। अब स्कीम कैसी रहती है, देखिए एक तो रहता है 1 से लेकर के 15 क्वेश्चन जो कि कंपलसरी हैं, जो आपको करने ही रहेंगे, वो कहलाता है आपका पार्ट ए। मतलब ये तो आपको इसको तो आपको पूरा का पूरा करना ही है, ये पार्ट ए का पार्ट है। सेकंड जो पार्ट बी है उसमें 35 क्वेश्चन रहेंगे, 35 क्वेश्चन में आपको कितने करने हैं, 25 करने हैं। मतलब यहाँ से आपको करके जाने हैं 15, और यहाँ से आपको करके आने हैं कितने, 25। टोटल आपके पास 40 क्वेश्चन होते हैं। ओके, हर सही क्वेश्चन पर आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, तो टोटल 200 मार्क्स का ये पेपर आपका बनता है कोर मैथ्स का। ओके, सही क्वेश्चन पे आपको प्लस 5 मिलेगा, तो 45,200, और अगर गलत करेंगे तो -1 मिलेगा। अगर हम सेफ स्कोर की बात करें तो आउट ऑफ 200 अगर आप 175 से लेके 180 तक लेकर के आ रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत सेफ साइड है। ओके, तो आपके लिए क्या है, बहुत ही सेफ रहेगा। अगर आप 175 से 180 लेके आ रहे हैं, तो आप 100% लेके आ जाएंगे। चलिए तो आप करते हैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चन, सबसे इसके इस एग्जामिनेशन में पूछे गए कुछ बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस। ओके गाइस, तो सबसे पहला कंसेप्ट देखते हैं। मान के चलिए फॉर यू हैव टू मैट्राइसिस ए एंड बी। ओके, टू नॉन जीरो स्क्वायर मैट्राइसिस हैं आपके पास ए और बी। अब आपके पास कंडीशन है कि अगर ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड है, ओके, फॉर द टू मैट्राइसिस ए एंड बी, आपके पास दो स्क्वायर मैट्राइसिस हैं, अगर ए बी और बी ए दोनों ही आपके पास डिफाइंड है, देन क्या कंडीशन बनेगी, ये आपको बताना है। तो देखिए, क्योंकि आपके पास स्क्वायर मैट्राइसिस है, तो ए का ऑर्डर आप क्या मान सकते हैं, एम क्रॉस एम, और बी का ऑर्डर क्या मान सकते हैं आप, एन क्रॉस एन। एंड इफ अगर ए बी डिफाइंड है, तो आपके पास पहली कंडीशन क्या बनेगी, m इक्वल्स टू n, और अगर ba डिफाइंड है तो कंडीशन क्या बनेगी, n इक्वल्स टू m। ओके, सेकेंड कंडीशन बनेगी n इक्वल्स टू m। ओके, सो क्या समझ में आ रहा है, अगर ab भी डिफाइंड है स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में, और ba भी डिफाइंड है, इसका मतलब अगर दोनों के पास सेम ऑर्डर है तो ही ये पॉसिबल होगा। क्यों, क्योंकि दोनों कंडीशन क्या आई, m इक्वल टू n एंड n इक्वल टू m, और m क्या था वो a का ऑर्डर था, और n क्या था वो b का ऑर्डर था। सो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, सो दे शुड हैव इक्वल, मींस m इक्वल टू n, तो ये कंडीशन आपकी बनेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलेंगे। सो ओके गाइस, ये देखिए ऐसा क्वेश्चन आपके सीयूईटी 2022 में पूछा गया है, और इसका करेक्ट आंसर है बोथ मैट्राइसिस ए एंड बी हैविंग द सेम ऑर्डर। ओके, सो हम लोग काफ़ी जल्दी में इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन इजी हैं वो आप लोग खुद से करिए। ओके, ये कंपलसरी वाला पार्ट चल रहा है। देखिए अब ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है, इसमें से आप मैच कर सकते हैं कौन सा सही है। तो डी और ई थोड़े से यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, सो आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे ए सही है, बी भी सही है, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो है ही नहीं है, बिकॉज सिमेट्रिक में एलिमेंट जो होते हैं इक्वल हुआ करते हैं, सो सी वाला पार्ट इसका गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्राइसिस ऑफ द ऑर्डर 2×2, सो कैसे बनेगा, यहाँ पे टोटल 16 बनेंगे, क्योंकि हर एलिमेंट पे 2 रिस्पॉन्सिबल होंगे, सो योर आंसर विल बी 16। हम यहाँ पर डिफिकल्ट क्वेश्चन को ध्यान में देंगे, इजी क्वेश्चन हमारा कराना उद्देश्य नहीं है। यस, ये क्वेश्चन बढ़िया है, गुड क्वेश्चन। देखिए, इफ वाई इज इक्वल टू 1/x देन द वैल्यू ऑफ e टू द पावर e। ओके, थोड़ा इसको मैं बोल्ड करता हूँ। यस, इफ वाई इज इक्वल टू 1/x देन वैल्यू ऑफ e टू द पावर e डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको डबल डेरिवेटिव इसका निकालना पड़ेगा। सिंबल डेरिवेटिव ये है, आपने लॉग ले लिया, तो x log 1/x। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं -x log x, डिफरेंशिएट कर दीजिए, ये बन गया, और ज़्यादा सॉल्व किया ये बन गया, यहाँ तक आ गए हैं। अब इसके बाद इसका डबल डेरिवेटिव कर देंगे। ओके, सो डी वाई बाई डी एक्स माइनस का, और फिर
माइनस का डी वाई डी एक्स और एक्स का हो जाएगा अपने पास में लॉग एक्स बार हो जाएगा और फिर वाई अपॉन एक्स। और हमें क्या चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए है ई टू दी पावर ई और डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर किस पर पॉइंट पर एक्स इक्वल टू ई पर। तो अब हमें यहाँ पर एक्स इक्वल टू ई पुट करना पड़ेगा। ये देखिए कहाँ तक आ गए थे हम लोग, हम लोग यहाँ तक आ गए थे। ओके चलिए अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं। तो डी एक्स के स्क्वायर बाई डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर ये वैल्यू है इसकी। डी बाई डी एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी निकाल चुके हैं देखिए ऊपर निकाली वैल्यू हमने, है ना, ये यहाँ पर वाई माइनस वाई वन प्लस लॉग एक्स। तो माइनस वाई वन प्लस लॉग एक्स और ये वन प्लस लॉग एक्स माइनस कॉमन लेने पर माइनस माइनस प्लस हो गया ये, और ये कितना बच गया माइनस वाई बाई एक्स। ओके अब वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए तो वाई कितना था वन प्लस वन अपॉन एक्स की पावर एक्स और ये बन गया वन प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर और वन अपॉन एक्स की पावर एक्स इंटू वन बाई एक्स। अब आप वैल्यू एक्स की जगह ई डाल दीजिए तो वन अपॉन ई होल्ड टू द पावर ई डिवाइड बाई वन प्लस लॉ वन प्लस वन हो जाएगा टू का स्क्वायर माइनस वन अपॉन ई होल्ड पावर ई वन अपॉन ई। ओके इसको सॉल्व कीजिए तो आपके पास कितना आ रहा है देखिए, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब लास्ट स्टेप में आपको करना क्या है, देखो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर तो आपके पास आ चुका है ना, आपको क्या करना है e की पावर e का मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें e की पावर e का मल्टीप्लाई कर दोगे आप पूरे स्ट्रक्चर में, अगर आप क्या करोगे e की पावर e का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये देखो ये क्या है वन अपॉन e की पावर e है। ओके सो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा टू स्क्वायर का फोर बच जाएगा और ये वाला भी पार्ट कैंसिल हो गया तो आंसर कितना आ गया फोर माइनस वन अपॉन ई। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ठाक सा क्वेश्चन है, इसको जल्दी से प्रैक्टिस करो, मस्त क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। इनफैक्ट ये तो आया हुआ ही क्वेश्चन है, 2022 का सोल्यूशन हम चला रहे हैं ये उसका क्वेश्चन है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल। ओके स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताना है किस इंटरवल में, तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम डिक्रीज करने के लिए एफ डैश एक्स लेस देन जीरो करते हैं एंड एक्स लेस देन वन, सो आंसर इज माइनस इन्फिनिटी टू वन, करेक्ट ऑप्शन इज सी। सो सिंपल क्वेश्चन, ये बहुत ईजिली आपसे बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डी एक्स अपॉन एक्स टू दी पावर एक्स एक्स की पावर फाइव प्लस थ्री, बताइए आपको कैसे करना है क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है, चलिए इसको करिए। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो x है यहाँ पर x की पावर 5 है, तो एक काम कीजिए x की पावर 5 को कॉमन ले लीजिए तो ये बन जाएगा कितना x की पावर 6 बन जाएगा। ओके और ऊपर जाकर के क्या बन जाएगा x की पावर माइनस सिक्स और यहाँ बन जाएगा 1 प्लस थ्री एक्स की पावर माइनस फाइव। अब दिख रहा है कि अगर इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो x की पावर माइनस सिक्स इसके डी एक्स में आ जाएगा, तो आपने इस पूरे को t मान लिया। तो देखिए माइनस फिफ्टीन एक्स की पावर माइनस सिक्स डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया डी टी हो गया, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स की पावर माइनस सिक्स डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया डी टी बाई माइनस फिफ्टीन। ओके तो यहाँ से देखो कितना हो गया माइनस डी टी बाई फिफ्टीन टी, तो कितना हो जाएगा माइनस वन अपॉन फिफ्टीन लॉग टी माइनस वन बाई फिफ्टीन लॉग टी की जगह वन प्लस थ्री अपॉन एक्स टू दी पावर फाइव, इसको सिंप्लीफाई कर दिया आपने तो माइनस वन अपॉन फिफ्टीन लॉग एक्स की पावर फाइव प्लस थ्री अपॉन एक्स की पावर फाइव प्लस सी। इस माइनस साइन को डिजॉल्व कर दूंगा तो आपको पता है माइनस साइन अंदर जाएगा तो लॉग के फॉर्म फार्मूला क्या होता है देखो लॉग माइनस लॉग ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ बी बाई ए। ओके तो ये पलट जाएगा तो एक्स की पावर फाइव ऊपर आ जाएगा और एक्स की पावर फाइव प्लस थ्री नीचे चला जाएगा, है ना, यस। सो एक्स की पावर फाइव ऊपर आ गया एक्स की पावर फाइव प्लस थ्री नीचे चला गया, सो करेक्ट आंसर इसका कितना होगा बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ओके जो बी आंसर आएगा इसका वो कैसा होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल, ये प्रॉपर्टी भी लिखी है अपन ने लॉग वाली। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आइए देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस वन। तो क्या करना है देखिए, इसमें आपको एक्स क्यूब है तो आपको एक्स प्लस वन डिनोमिनेटर की चीज़ आपको यहाँ पर कैंसिल करनी है। ओके तो इसको कैंसिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा करो कि ये कैंसिल हो जाए। तो आपने क्या करना है कि इसमें एक प्लस वन कर दो एक माइनस वन कर दो। देखो तो एक्स क्यूब प्लस वन की स्ट्रक्चर बन गई और माइनस वन बन गया। अब इसको एक्स क्यूब प्लस वन को आपने ब्रेक कर लिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले से,
तो ये बन गया x प्लस वन से x प्लस वन आपका कैंसिल हो गया और माइनस वन अपॉन x प्लस वन। तो क्वेश्चन में माइनस लॉग x प्लस वन तो था ही, तो ये जनरेट हो चुका है। और बाकी वाला पार्ट आपसे क्यू एक्स पूछा गया है, तो क्यू एक्स क्या बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई थ्री और माइनस का प्लस का x और माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। तो करेक्ट आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन कंपलसरी वाले चल रहे हैं जो आपको करने ही पड़ेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, चलिए इसको करने की कोशिश कीजिए। माइनस वन से लेके वन एंड मॉड ऑफ एक्स माइनस टू, मॉड ऑफ एक्स माइनस टू, ओके, और कितना है मॉड एक्स है। तो माइनस एक्स माइनस वन से लेकर के वन है, माइनस वन से लेकर के वन है और मॉड ऑफ एक्स, फिर मॉड ऑफ एक्स है और डी एक्स है। तो देखिए इसको इंटीग्रेशन को हम दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, एक माइनस वन से लेकर के वन तक मॉड ऑफ एक्स माइनस टू का और माइनस वन से लेकर के वन मॉड एक्स का। ठीक, अब देखिए यदि सेकेंड पार्ट का तो समझना बड़ा आसान है, सेकेंड पार्ट मॉडुलस फंक्शन है, मतलब कि एरिया जो है जस्ट डबल हो जाएगा, माइनस वन से लेकर के वन तक का एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि इधर भी ये एरिया प्रोड्यूस करेगा, इधर भी एरिया प्रोड्यूस करेगा। सो टू टाइम्स एरिया करते हैं, वन अपॉन टू हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है वन है और हाइट भी कितनी बनेगी, क्योंकि वाई इक्वल टू एक्स फंक्शन बनता है तो वन ही बनेगी। सो कितना हो गया, टू इंटू टू मतलब कि वन हो गया, मतलब ये वाला जो पार्ट है हमको पूरा इंटीग्रेशन करके क्या मिल गया, वन मिल गया। ओके, अब बचा आपके पास माइनस वन से लेके वन ये वाला पार्ट। अब देखो एक्स माइनस टू जो है, एक्स माइनस टू जो है वो कहाँ पर ब्रेक होगा, x माइनस टू इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू टू पर ब्रेक होगा। तो टू के पहले वाले सभी बिंदु पॉइंट्स पर इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। सो ब्रेक हो गया कितने पे, माइनस ऑफ x माइनस टू पे और माइनस वन से लेके वन। तो इंटीग्रेट कर दिया इसको अपन ने, तो कैसे इंटीग्रेट किया, देखिए डायरेक्टली यहाँ पे माइनस ऑफ x माइनस टू का होल स्क्वायर अपॉन टू, यहाँ पे डायरेक्टली कर दिया है माइनस ऑफ x माइनस टू का होल स्क्वायर अपॉन टू एंड लिमिट माइनस वन से लेके वन। ओके, और हमारे पास ऑलरेडी एक यहाँ पर वैल्यू कितनी आ चुकी है, वन आ चुकी है। सेकेंड वाला पार्ट जो हमारे पास प्लस कितना करना है, वन करना है, ठीक ना। तो चलिए इसको फिर फिलहाल सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो तो माइनस ये वाला और वन बाई टू बाहर कर लिया। ओके, और फिर वैन वन पुट किया तो वन माइनस टू का स्क्वायर कितना, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा। और फिर उसके बाद लोअर लिमिट माइनस करना है तो माइनस वन माइनस टू यानी कि माइनस नाइन हो जाएगा। तो वन माइनस नाइन कितना हो, माइनस एट हो गया, और माइनस एट प्लस एक माइनस ये हो गया प्लस एट बाई टू, दैट इज इक्वल टू फोर। और फोर और ये जो एरिया था इसका प्लस वन इधर पे ऐड हो जाएगा तो आंसर मेरे पास कितना बनेगा, फाइव बनेगा। तो दोस्तों ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन है, इसको आप लगाइए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। ओके, इंटीग्रेट करना था और इसका आंसर कितना आ रहा है, फाइव आ रहा है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए एन बी आर द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस टू वाई इक्वल टू जीरो, देन द वैल्यू ऑफ टू ए प्लस सिक्स बी। तो भाई साहब ए क्या है, ऑर्डर है, और बी क्या है, डिग्री है। तो सबसे पहले हमें ऑर्डर और डिग्री तलाशनी पड़ेगी। तो कैसे पहचानेंगे, देखो इक्वेशन को ऐसा लिख लिया अपन ने, तो ऑर्डर कितनी है इसकी, टू है, और डिग्री कितनी है इसकी, डिग्री इसकी वन है, बिकॉज हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म की पावर वन है, तो 2 एंड 1 निकल गई है। अब 2a प्लस 6b की वैल्यू पुट कर दो, करेक्ट आंसर कितना आ गया, 10। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, द सॉल्यूशन ऑफ द फैम डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, सिंप्लीफाई कर लो, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है, लॉग वाई लॉग एक्स ले लिया। ओके, लॉग वाई इक्वल्स टू लॉग सी एक्स ले लिया है। ओके, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। सो वाई इक्वल टू सी एक्स क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके, तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, क्वेश्चन आप देख सकते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, केवल इसको सिंप्लीफाई करना था और कुछ भी नहीं इसमें। ओके गाइस, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, कल कुछ और बेटर क्वेश्चन को लेकर के कल फिर से हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।